नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए कि वो समस्त नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए कि वो समस्त की, भारत माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, आदि कैलाश धाम की, आदि कैलाश धाम की, पार्वती सरोवर आदि कैलाश के इस बहुत ही पवित्र स्थल पर, इस धाम पर, इस सीमांत क्षेत्र में आज योग दिवस के इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी अभी इनको भारत सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सड़क परिवहन मंत्री के नाते मिली है और आप सबके आशीर्वाद से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से आपको एक बड़ी जीत लोकसभा के चुनाव में यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों का, इस संसदीय क्षेत्र के लोगों का, धारचूला वासियों का आशीर्वाद मिला और आप सांसद निर्वाचित हुए, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, इस क्षेत्र के माननीय विधायक भाई हरीश धामी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री धन सिंह धामी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सहयोगी भाई गणेश भंडारी जी, जिला अध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी और आज के इस योग दिवस के अवसर पर सीमांत क्षेत्र में जिन्होंने इस कार्यक्रम के संयोजन किया है, श्री पंकज पांडे जी, हमारे कमिश्नर दीपक रावत जी, डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, यहाँ की जिलाधिकारी रीना जी, एसपी रेखा जी, श्री अशोक नबियाल जी, इस क्षेत्र के सभी हमारे आए हुए सभी सामाजिक संगठनों के, सभी राजनीतिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी सेना के हमारे जवान, आईटीबीपी, एसएसबी, बीआरओ जो सीमांत क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहां उपस्थित सभी हमारे क्षेत्रवासी, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस सीमांत क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में आदि कैलाश धाम में उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई देता हूं। मैं भगवान शिव पार्वती की निवास स्थली आदि कैलाश की इस पवित्र भूमि को भी दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं देश की सीमाओं और महादेव की इस पावन भूमि की सदियों से जो रक्षा करते आ रहे हैं हमारे रंग समाज के लोग, उन सभी देवतुल्य नागरिकों को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं यहां जो विषम परिस्थितियों में देश की सेवा को सुनिश्चित करने का काम करने वाले हमारे सीमाओं के सुरक्षा के प्रहरी, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के सभी योद्धाओं को, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही इस क्षेत्र के लोगों का आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आपने यहां के समाज, संस्कृति और आध्यात्मिकता को अक्षुण रखा है। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है, उस योग दिवस की बहुत बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, बड़ा ये सुखद संजोग है, हम सब का सौभाग्य है कि हम सब ऐसे स्थान पर आज योग करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन भगवान शिव और योग के बीच में गहरा संबंध है। भगवान शिव को आदि योग के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव से ही योग, धर्म, कर्म और वैदिक ज्ञान का जो उद्गम है वो उद्गम हुआ है। भगवान शिव का नटराज रूप भी योग के महत्व को समझाता है। योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि ने भगवान शिव के
ब्रह्मांड के सर्जन संरक्षण और संहार के चक्र को दर्शाने वाले नटराज रूपी नटराज स्तोत्रम की रचना की थी। मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान शिव की इस पावन धरा पर मुझे भी आप सबके साथ इस योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जो विरासत है उसको आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, उस पूरी दुनिया आज उस विरासत को अपना रही है। आप सब जानते हैं 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था और यह प्रस्ताव 177 देशों की सहमति से पारित हुआ और 2015 से प्रतिवर्ष पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मना रही है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज भारतीय संस्कृति की जो वैश्विक मान्यता का प्रतीक भी है, इस वर्ष योग दिवस की जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। योग से न केवल बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता है बल्कि योग एक बेहतर समाज का भी निर्माण करता है। योग शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है, साथ ही सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। आज जिस प्रकार से सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति आज भौतिकता की ओर बढ़ा है, उसमें उतने ही प्रकार की आज तनाव भी बढ़ गए हैं। इसके जो योग के 8 रंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। योग वह अद्वितीय साधना है जो शरीर और मन के संतुलन को बनाने का काम करती है। योग हमारी आत्मा की उन्नति में भी सहायक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की जो गहराइयों में झांक सकते हैं और सबसे बड़ी बात है जो स्वयं के अस्तित्व का हमें ठीक प्रकार से आभास कराने का काम किसी के माध्यम से होता है तो योग और ध्यान के माध्यम से होता है। और आत्मा का साक्षात्कार की दिशा में भी हम निश्चित रूप से इससे अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में जहां जीने की कला सिखाता है, हमें जीवन की जो नकारात्मक जो हमारी चीजें हैं उनसे मुक्त करता है। और आज जिस प्रकार की भागदौड़ हो गई है, किसी न किसी रूप में तनाव का हमें सामना करता पड़ता है, ऐसे में योग ही एक प्रभावी माध्यम है जो हमें हर प्रकार से शांति प्रदान करता है, हमें सकारात्मक बनाने का काम करता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। नियमित रूप से योग करने से मन में हमारा एकाग्रता बढ़ती है, किसी भी काम करने के लिए हमारी जो ताकत है वो ताकत बढ़ती है और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह भी बढ़ाने का काम हमारा ये योग करता है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर की जो ऊर्जा है उसको जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। योग का विशिष्ट जो परंपरागत अनुभव हमें आत्मा के संयम की ओर ले जाता है, शांति और संतुलन का मार्ग दिखाता है। यह हमारे जीवन को बहुत ही सुखद और सरल बनाने का काम भी योग करता है। आज के इस कार्यक्रम का पार्वती सरोवर और आदि कैलाश की पवित्र भूमि पर होना यह हम सभी के लिए एक अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस क्षेत्र में आगमन के बाद यह क्षेत्र अब विश्वव्यापी हो गया है और यहाँ जिस प्रकार से लोगों का आगमन हो गया है, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बड़ी संख्या आज इस क्षेत्र की ओर आने लगी है, इस धाम की ओर आने लगी है। पर्यटकों के बढ़ने से आप लोगों को बाहरी बड़े व्यापारियों द्वारा इस क्षेत्र में और आपके कामकाज में जो आपको अभी विधायक जी भी कह रहे थे आधिपत्य की आशंका भी जरूर रही होगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको
यहाँ अवसर मिलना चाहिए, उनका रोजगार बढ़ना चाहिए, उनका स्वरोजगार बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में नगरीकरण और बड़े बड़े होटलों की अपेक्षा स्थानीय वास्तु और वस्तुओं पर आधारित जो हमारे भवन हैं उनका निर्माण हो, 100% होम स्टे आधारित पर्यटन यहाँ पर विकसित हो, यहाँ के खान पान को बढ़ावा देना होगा ताकि यहाँ की पारंपरिक जो कृषि है वह भी संरक्षित होगी। मेरा यहाँ ये विशेष आग्रह रहेगा कि जो भी लोग यहाँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ भक्तगण आ रहे हैं, इस पवित्र स्थल पर लोग एक श्रद्धालु बनकर आए, न कि केवल एक पर्यटक के रूप में। ऐसे स्थानों पर जो श्रद्धालु की यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है आत्मिक शांति है, धार्मिक कर्तव्यों का पालन और आस्थाओं की जो गहराइयों में डूबना होता है, इसे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैंने कहा है कि यहाँ लोग पर्यटक नहीं बल्कि श्रद्धालु बनकर आए, क्योंकि कैलाशवासी भोलेनाथ जी को अपने श्रद्धालुओं पर विशेष कृपा उनकी रहती है और उनकी कृपा के पात्र बनने के लिए निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यात्रा के नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना होगा। भाइयों बहनों, यहाँ ऊनी कालोन उद्योग यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ थे, आज उसको भी हमको फिर से पुनर्जीवित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास रहेगा कि परिवहन सुविधा के अंतर्गत परिवहन व्यय रेट लिस्ट आदि का भी मानकीकरण हो, हमें इनर लाइन परमिट व्यवस्था का भी सरलीकरण करना होगा ताकि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को जो तमाम प्रकार के बिचौलिया होते हैं, जो अनावश्यक रूप से व्यवधान करते हैं, उनका शिकार न होना पड़े। भाइयों बहनों, ये बॉर्डर भी हमारा बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं या घटनाओं से सीमा में असंतोष पैदा न हो, इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इन सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु जो भी आवश्यक होगा, आप सबके सुझावों से, आप सबके सहयोग से, वो सब हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। भाइयों बहनों, ये योग दिवस जहां हम आज एक अच्छे तापमान में भगवान आदि कैलाश धाम में हम सब यहां पर कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से हमारे जलों के स्रोत सूख रहे हैं, जिस प्रकार से पर्यावरण लगातार उसका क्षरण हो रहा है, लगातार पर्यावरण में अशुद्धियां हो रही हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसमें हम सबका भी योगदान होना चाहिए। हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे जो हमारे स्रोत, गाढ़ गधेरे, धारे, नौले जो सूख गए हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित करने का, हमने जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है और सारा का एक गठन किया है उसके माध्यम से, जहां सरकार ये काम कर रही है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। हम क्यों ना अपने राज्य को एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में, कि जहां से जल और जीवन देने का काम पूरी दुनिया को सदियों सदियों से होता आया है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। ये इतने वर्ष से नहीं होगा, कई बार मैं देहरादून में कहता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, तो लोगों को लगता होगा कि धर्मा वैली में, ब्यास वैली में, इन वैलियों में अगर यहाँ पर आपदा आ रही है, या हमारे चमोली के रीणी क्षेत्र में आपदा आ रही है, उत्तरकाशी में आपदा आ रही है, तो हम प्रभावित बिना हुए बिना रह जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपदा आज यहाँ आ रही है तो उस आपदा से वो सब भी प्रभावित होंगे, आने वाले समय में समूचा भूमंडल प्रभावित होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। इस वर्ष हम वृक्षारोपण को लेकर भी एक बड़ा काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। मैं सभी से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से, अन्य जो सरकारी विभाग है उन सबके सहयोग से, सारा के सहयोग से, सारे लोग ये दो कामों को जरूर अपनाएंगे, अपना योगदान देंगे। मैं यह भी आप सभी को आज आग्रह करता हूं कि आप सभी योग को केवल एक विशेष दिन के रूप में न मनाएं कि आज योग दिवस है। आज हम सब लोग सवेरे से योग करने के लिए टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं, जगह जगह पर आज योग दिवस हो रहा है,
केवल ये एक दिन ही योग दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा अगर आपने जीवन को अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। योग से हमारा जहां मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी योग दिवस का आनंद लेंगे, इसे अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको फिर से एक बार योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हम सबको हमारे इस आदि कैलाश धाम को पूरी दुनिया में आज ले जाने का काम किया है, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। हम सब आज उस पवित्र स्थान पर योग कर रहे हैं। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की जय। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का